नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन आई एस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने प्रतिशत के लगभग 12 प्रकार के प्रश्नों को हल किए और उन प्रश्नों को हल करने के लिए केवल तीन फार्मूले का प्रयोग किया। पहला फार्मूला हमारा था प्रतिशत वृद्धि का जो था यक्स अपान 100 माइनस यक्स गुड़े 100%, ये की इस फार्मूले को। दूसरा हमारा फार्मूला था प्रतिशत कमी का, ठीक है, जो था यक्स अपान 100 प्लस यक्स गुणे 100%। तीसरा फार्मूला था प्लस माइनस ए इजकल टू प्लस माइनस यक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस यक्स वाई बाई 100, ठीक है। और ये फार्मूले कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग होंगे इसके बारे में भी हमने डिटेल में बताया है। जो लोग आज हमसे नए जुड़े हैं वे कृपया पिछले दो वीडियो हैं उनको देख लीजिए, जिससे आपको ये सब बातें समझ में आ जाए। आज हम लोग टाइप 13 से हल करेंगे, लगभग कोशिश करेंगे 10 क्वेश्चन और हल कर लें, जिससे प्रतिशत पे हमारा एक अच्छा पकड़ बन जाए। तो हमारा क्वेश्चन है कि मोबाइल के मूल्य में 20% की कमी होने से उसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। जो मूल्य है मोबाइल का, उसमें क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो गई। 20% की क्या हुई, वृद्धि हो गई, जिससे उसकी बिक्री जो है, बिक्री क्या हुआ, बिक्री बढ़ गई कितनी, 40%। 40% क्या हो गई, बिक्री बढ़ गई। यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि कमी हो रही, ठीक है। मूल्य में 20% की कमी हो गई जिससे बिक्री क्या 40% बढ़ गई। तो ज्ञात कीजिए दुकानदार की आय कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। आय में पूछ रहा कितनी में वृद्धि होगी या कमी होगी, तो आय बराबर होता है मूल्य गुणे बिक्री। मूल्य घट रहा है, बिक्री बढ़ रही, आय के बारे में पूछ रहा है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो तीनों में परिवर्तन हो रहा है, तो हम फार्मूला यूज करेंगे प्लस माइनस ए इजिकल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस यक्स और प्लस माइनस वाई प्लस माइनस यक्स वाई बाई 100। इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे, जहां ए का मान मतलब है आय, यक्स का मतलब है मूल्य, वाई का मतलब है बिक्री। हम मान रखते हैं, ए का मान हमें पता नहीं तो इसको रख देते हैं, नॉर्मली ए लिख देते हैं, या चाहे तो हम इसकी जगह पे आय लिख सकते हैं। आय बराबर, आय प्रतिशत बराबर हो जाएगा हमारा, यक्स का मान है -20, वाई का मान है +40, और माइनस और प्लस का आपस में गुणा होता है तो माइनस चिन्ह आता है, तो 20 गुणे 40 लिखेंगे और बटा हम 100 कर देंगे, ठीक है। अब काटेंगे इसको, दोनों जीरो कट जाएंगे, और 20 माइनस का है, 40 प्लस का है, जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा प्लस का 20 और माइनस का 4 × 2 = 8, -8, ये क्या है, आय प्रतिशत है। इसको जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा आय प्रतिशत बराबर 20 से 8 जाएगा, आ जाएगा हमारा +12, मतलब आय में क्या हुआ, 12% की वृद्धि हुई। प्लस में आ रहा है तो आय में क्या हुआ, 12% की वृद्धि हुई। यहाँ पर हमें इस फार्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आय, मूल्य और बिक्री तीनों में परिवर्तन हो रहा है। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सर्कस के टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से दर्शकों की संख्या 20% कम हो जाती है, ठीक है। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि सर्कस का जो टिकट था उसका मूल्य कम हो गया, कितना, 30%, मूल्य कितना घटा, 30% घट गया, -30%, जिससे क्या हुआ, जो दर्शक थे उनकी संख्या में नहीं गलत हो गया, सर्कस के टिकट के मूल्य में वृद्धि हो गई, 30% सर्कस के टिकट का मूल्य बढ़ गया, तो दर्शक जो थे, दर्शकों की संख्या 20% कम हो जाएगी, ठीक है। दर्शक की संख्या क्या थी, दर्शकों की संख्या 20% कम हो जाती है। तो पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए सर्कस के मालिक की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी, ठीक है। आय पूछ रहा है, तो आय बराबर क्या होता है हमारा, मूल्य गुणे
दर्पक, जितने दर्पक जितना मूल्य होगा उसी हिसाब से जितने दर्पक आएंगे आय बढ़ेगा। तो सर्कस का मालिक क्या किया, मूल्य बढ़ा दिया, दर्शक कम हो गए, अब पूछ रहा आय में कितना परिवर्तन होगा ये हमें पता नहीं। तो यहाँ तीनों में परिवर्तन हो रहा, तो हम फिर वही फार्मूला लगाएंगे, प्लस माइनस ए इजिकल टू प्लस माइनस यक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस यक्स वाई बाई 100, इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो ए का मतलब वही हो गया फिर से आय, इसका मतलब मूल्य, उसका मतलब हो गया खर्च। तो ये फार्मूला हर उस जगह लगता है जहाँ पे दो चीज़ों का प्रोडक्ट तीसरे के मान को बदलता है, ठीक है, एक मान दो चीज़ों के मान पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे अगर हम लगाते हैं ए का मान पता नहीं है तो इसको लग देते हैं ए, ये आय लिख दे, मूल्य में क्या हुआ पहली बात 30% की वृद्धि कर दी तो 30 पर 30 लिख दिया, और दर्पकों की संख्या 20% घट गई तो -20 लिख दिया, प्लस का है माइनस का गुणा होगा तो माइनस का आएगा चिन्ह, और 30 गुणे हम कर देंगे 20, बटा कर देंगे 100, इसी को हल करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, दोनों जीरो कट जाएंगे दोनों से, और 30 से 20 जाएगा आ जाएगा हमारा कितना 10, वो भी प्लस का आएगा, -3 दूनी 6, ठीक है, ए बराबर आ गया हमारा, ए प्रतिशत बराबर आ जाएगा हमारा 10 माइनस 6, ए प्रतिशत या आय प्रतिशत हो जाएगा 4% की वृद्धि, ठीक है, क्योंकि प्लस में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार जो मालिक होगा उसको 4% का लाभ हो जाएगा, 4% का लाभ हो जाएगा जब उसके दर्पक 20% कमाएंगे, ठीक है, तब भी, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि एक उद्योगपति अपने उद्योग से 30% कर्मचारियों को हटा देता है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक उद्योगपति है वो अपने कर्मचारियों की छटनी कर रहा है, उसने क्या किया 30% कर्मचारियों को हटा दिया, मतलब लिफ्ट कर दिया, ये क्या थे, ये थे कर्मचारी, ठीक है, इनको क्या क्या हटा दिया इसने, उसके बाद क्या किया जो बचे हुए थे उनके वेतन में इसने क्या किया, वेतन में 30% की वृद्धि कर दी, 30% की वृद्धि कर दी। तो देखने में हमें लग रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा, तो पूछ रहा है तो ज्ञात कीजिए उसके द्वारा किए गए मासिक व्यय में कितना प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो उसका जो व्यय है अब कितना प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा, तो व्यय होता है कर्मचारियों की संख्या और बाकी जितना वेतन दे रहे हैं, कर्मचारी की संख्या 30% घटाए और वेतन 30% बढ़ा दिया, देखने में लग रहा है कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब इसको हल करेंगे तो हमें एक्चुअल परिवर्तन पता चलेगा। तो यहाँ भी तीनों में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ भी फार्मूला लगेगा प्लस माइनस ए इजिकल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस यक्स वाई बाई 100। तो ये फार्मूला कितना काम का है आप देख रहे हैं कि सब सवाल इसी के आधार पर लगते चले जा रहे हैं। तो ए हमें निकालना है, बाकी मान रखेंगे कर्मचारियों की संख्या 30% घटा रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा 30, और वेतन 30% बढ़ा रहे हैं तो हो जाएगा प्लस का 30, ये ऋण है ये धन है, दोनों का आपस में गुणा करेंगे ऋण आएगा, 30 गुणे 30 अगर करेंगे उसके बटा फिर 100 करेंगे तो दोनों जीरो कट जाएंगे, और -30 से +30 घटेगा 0 आ जाएगा, तो आएगा हमारा आंसर 3 * 3 = -9, ठीक है, -9। कहने का मतलब ये है कि अगर वो अपने कर्मचारियों की संख्या 30% कम कर रहा है और वेतन 30% बढ़ा रहा है तो उसका जो व्यय है वो 9% क्या होगा कम हो जाएगा, मतलब उसे 9% कम खर्चा देना पड़ेगा, जबकि देखने में ऐसा नहीं लगे, ठीक है। तो इसलिए जब ऑप्शन आए तो क्वेश्चन को जिद्दी आराम से पढ़िएगा, और ऑप्शन फिर उसको हल करने के बाद ही ऑप्शन टिक कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न 10 सेकेंड का है, लेकिन यदि आप जल्दबाजी में करेंगे तो आप गलत कर सकें। तो जो व्यापारी होगा उद्योगपति होगा उसकी आय में उसके खर्च में उसके जो खर्च होगा उसका जो व्यय होगा उसमें 9% की कमी आ जाएगी, ठीक है, 9% की कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है किसी वर्ग की भुजा में, ठीक है, अब यहाँ क्या दिया वर्ग की भुजा दिया है, फिर 30% की वृद्धि कर दी जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ठीक है, वृद्धि या कमी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर
पर लग रहा है कि प्रश्न में केवल भुजा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, और क्षेत्रफल में पूछ रहा है। मुझे साइक्लिक जैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यदि ए की आय जो है बी की आय से यक्स प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है उसके लिए हमने वृद्धि या कमी का फार्मूला लगाया था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जब हम क्षेत्रफल का फार्मूला देखेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, ठीक है, भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल में परिवर्तन होने के लिए कहाँ कहाँ परिवर्तन? दोनों भुजाओं में परिवर्तन ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा? यहाँ फार्मूला लगेगा प्लस माइनस ए इजिकल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो लेकिन क्या है, यहाँ दोनों यक्स ओ वाई मतलब दोनों भुजा सेम है। तो जब दोनों भुजा सेम है तो चाहे यक्स रखे चाहे वाई, मान लेते यक्स रखते हैं तो यक्स वृद्धि हो रही तो दोनों जगह प्लस रखना होगा, यक्स प्लस फिर यक्स रखेंगे और फिर धन धन का धन होगा, यक्स गुणे यक्स रखेंगे अपान 100 रखेंगे। तो ये फार्मूला कैसा बन जाएगा? यक्स प्लस यक्स टू यक्स और फिर यक्स गुणे यक्स यक्स स्क्वायर बाई 100। अब ये फार्मूला इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो ये फार्मूला भी याद कर लीजिए। हमने क्या कहा कि यहाँ पे देखने में लग रहा है कि परिवर्तन केवल एक भुजा में हो रही है और क्षेत्रफल में पूछ रहा है, तो क्यों ना हम जो प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला, जो ये वाला फार्मूला हमारा था यक्स अपान 100 माइनस यक्स गुणे 100, ये फार्मूला क्यों ना लगा के अपना निकाल लेते। लेकिन ऐसा नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा गुणे भुजा। तो मतलब क्षेत्रफल में चेंज होने के लिए दो भुजाओं में परिवर्तन हमें देखना पड़ेगा। जब दो भुजाओं में परिवर्तन है तो ये फार्मूला ना लग के हमारा लगेगा ए वाला फार्मूला। लेकिन जब भुजा दोनों बराबर है तो उस समय यक्स यक्स चाहे रखे चाहे वाई वाई, तो ये बन के फार्मूला आ जाता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। आप इसको चाहे याद कर लीजिए चाहे इसी के आधार पे लगाइए, ठीक है। तो ये प्रश्न कैसे लगेगा, ठीक है, इसको देखते हैं। तो किसी वर्ग की भुजा में 30% वृद्धि कर जाती है, मतलब भुजा मान लेते हैं अगर यक्स है तो इसमें वृद्धि हो जा रही है प्लस 30% की, 30% की वृद्धि हो गई। तो क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी पूछ रहा, तो ए बराबर हो जाएगा 2x प्लस यक्स स्क्वायर, क्योंकि वृद्धि हो रही है, बटा 100। यक्स का मान दिया 30, तो 2 × 30 प्लस 30 का स्क्वायर मतलब 30 × 30 बटा 100। इसको काट देंगे दोनों जीरो, 20 × 30 = 60 और 3 × 9, ठीक है, बराबर आ जाएगा 69%। तो कितना उसकी एरिया में कितना परिवर्तन, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो जाएगा? क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा 69%। यदि भुजा में, वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि होगी तो उसकी एरिया में 69% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा और क्लियर ये प्रश्न क्लियर हो जाएगा। अगला है कि किसी वर्ग की भुजा में यदि 30% की कमी कर दी जाए, अभी वृद्धि हुई थी, इस प्रश्न में हम कह रहे अगर कमी हो जाए, तो कमी अगर हो जाएगी भुजा में, क्या हो रहा है 30% की कमी, तो -30% हमने लिख दिया। अब एरिया में परिवर्तन पूछ रहा है, तो यहाँ भी तो एरिया भुजा गुणे भुजा होगा, तो फार्मूला कौन सा लगेगा? यही फार्मूला लगेगा प्लस माइनस ए वाला, प्लस माइनस ए इजिकल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। लेकिन जब यक्स और वाई दोनों समान हैं तो चाहे यक्स रखे चाहे वाई, तो जब दोनों समान है तो ऐसे रखेंगे यक्स, क्योंकि कम हो रहा है तो माइनस का यक्स, ठीक है। फिर यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है तो यहाँ भी माइनस का यक्स, ठीक। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यक्स और यक्स का गुणा हो जाएगा यक्स स्क्वायर बाई 100। अब क्या है प्रतिशत हमें कमी, अब अगला स्टेप हमारा होगा,
अगला स्टेप है कि माइनस एक्स हो जाएगा माइनस का 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। चाहे इस तरह इसको रखें चाहे माइनस, अगर हम कॉमन ले लेते तो माइनस कॉमन हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। ये फार्मूला बना। अब वैल्यू क्या है, माइनस में आ रही तो कमी होगा, तो क्षेत्रफल में कमी, क्षेत्रफल में कमी बराबर हो जाएगा, अगर हम कमी पहले लिख देंगे तो माइनस की कोई ज़रूरत है नहीं, तो कमी बराबर हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा ये वाला फार्मूला। ठीक है, दो फार्मूले बने, एक फार्मूला उसमें बना था जब वृद्धि हो रही थी, अगर दोनों आदत सेम है तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, और यदि कमी हो रही है तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। आप इन दोनों फार्मूलों को याद रखिएगा। अब अपने प्रश्न पे हम आते हैं कि किसी वर्ग की भुजा में यह 30% की कमी कर दिया। भुजा में कितनी कमी हुई, भुजा में कमी हुई 30% की। ठीक है, 30% की कमी हो गई। अब पूछा क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी 2x, क्षेत्रफल में कमी बराबर हो जाएगा, अभी फार्मूला देखा हम लोगों ने, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। एक्स का मान रखेंगे 30, 2 × 30 माइनस एक्स का मान 30 है तो 30 × 30 क्योंकि स्क्वायर है, बट्टा 100, दोनों जीरो कट जाएंगे, 30 का 2 में गुणा करेंगे 60 आएगा, माइनस 3 × 9 हो जाएगा, तो अगर घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 51। घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 51। तो क्षेत्रफल में कमी हमारा आ जाएगा कितना, कमी प्रतिशत बराबर हमारा आ जाएगा 51% की कमी। ठीक है, कमी प्रतिशत बराबर हमारा हो जाएगा 51% की कमी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला है कि किसी वृत्त की परिधि में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब कोई वृत्त है उसकी परिधि में 20% की वृद्धि हो जाती है, ज्ञात कीजिए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब वृत्त की परिधि, अब हमें फार्मूला याद होना चाहिए वृत्त की परिधि क्या होती है। ठीक है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2πr क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है। अब कहने का मतलब ये अगर कह रहा है कि वृत्त की परिधि में परिवर्तन हो रहा है तो ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो बदलेगा नहीं, पाई का मान भी निश्चित होता है ये भी नहीं बदलेगा, तो केवल आर में परिवर्तन की बात ये कह रहा है। तो कहने का मतलब इसने इनडायरेक्टली क्या दिया इस प्रश्न में, हमें त्रिज्या में परिवर्तन कितना हो रहा है यह दिया, वृत्त की त्रिज्या में कितना परिवर्तन हो रहा है वह परिधि के माध्यम से दिया है, क्योंकि परिधि में ना तो 2 में परिवर्तन होगा ना तो पाई में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा तो केवल उसकी त्रिज्या में। तो ये अगर हम साफ साफ भाषा में समझें तो ये कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो आर में कितनी वृद्धि हुई, प्लस 20%। प्रश्न को केवल समझने की देरी है, बाकी प्रश्न बहुत आसान है। अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, तो पाई आर स्क्वायर, पाई में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, परिवर्तन होगा आर स्क्वायर में, मतलब जैसे वर्ग का था भुजा गुणे भुजा, तो यहाँ भी कौन सा फार्मूला लगेगा, आर स्क्वायर है तो फार्मूला लगेगा प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा 2x प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। ठीक है, 2x का मान हम रखेंगे कितना, 20, 2 × 20 प्लस 20 × 20 क्योंकि स्क्वायर है उसके बाद बटा 100, काटेंगे तो ये सब कट जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, फिर 20 दूनी हो जाएगा 40 और 2 दूनी हो जाएगा 4, तो आंसर हमारा आ जाएगा 44% की वृद्धि। ठीक है, तो जो हमारी वृत्त है उसकी उसके क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाएगी। कैसे हमने निकाला, हमें दिया था परिधि, परिधि से हमने ये देखा परिधि में का फार्मूला होता है 2πr, जिसमें से 2 और पाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा आर में। तो कहने का मतलब उसने इनडायरेक्टली हमें दिया कि वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो रही है। अब पूछ रहा है वृत्त के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो जो कांस्टेंट वैल्यू से हमें मतलब नहीं, बाकी फार्मूले में बचा आर स्क्वायर, जैसे वर्ग का था क्या था भुजा स्क्वायर, ठीक वही फार्मूला उसी पैटर्न चल रहा है, तो वृद्धि प्रतिशत इसके लिए हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। आप सबका मान रखेंगे,
आपका आंसर आ जाएगा 44% की वृद्धि हुई। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाती है। अब तक वर्ग हमने देखा, ठीक है, वर्ग के साथ साथ हमने क्या और क्या देखा, हमने वृत्त देखा, लेकिन अब आयत में परिवर्तन पूछ रहा है। आयत की लंबाई में परिवर्तन हो रहा है कितना, लंबाई में परिवर्तन हो रहा है 40% की वृद्धि, ठीक, जिसके कारण क्षेत्रफल की वृद्धि 30% होती है। लंबाई में तो 40% हो रहा है, लेकिन क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है, 30% की वृद्धि हो रही है। तो पूछ रहा है उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी हो गई। ठीक है, कुछ तो कमी हुई होगी, तो क्षेत्रफल होता लंबाई गुणे चौड़ाई। ऐसा फार्मूला देखते हमारे दिमाग में आ गया कि यहाँ पे तीनों में परिवर्तन हो रहा है, तो फार्मूला लगेगा यही, प्लस माइनस ए इजिकल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप लोग भी हमारा साथ देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया ए का मान क्या है, ए यहाँ पे क्षेत्रफल के बराबर है, यक्स लंबाई, वाई क्या है चौड़ाई, जिसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो क्षेत्रफल परिवर्तन कितना हुआ, 30 का, तो सीधे सीधे 30, क्योंकि वृद्धि हो रही तो प्लस ही रखना है। लंबाई में कितना हुआ, 40% की वृद्धि, तो प्लस का 40 हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई का पता नहीं तो हम प्लस ही मान के चलते हैं। ठीक है, अगर माइनस में आंसर आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कमी हुई है। ठीक है, वाई तो हो जाएगा प्लस 40y/100। तो यहाँ अगर हम काटेंगे तो ये से ये कट जाएगा, 0 से 0, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 40 इधर प्लस का, इधर जाएगा माइनस को, आंसर इधर आ जाएगा माइनस का 10। माइनस का 10 बराबर हमारा हो जाएगा वाई प्लस 2y/5। अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, तो 5y हो जाएगा प्लस 2y, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7y। ठीक है, 5 प्लस 2 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 7y/5। ठीक है, तो y बराबर हमारा हो जाएगा माइनस 10 गुणे 5/7, माइनस 10 गुणे 5/7 बराबर हो जाएगा, कहने का मतलब y बराबर माइनस 50/7। इसको अगर हम काटेंगे 7 57 7 सही 1/7, वो भी माइनस का। तो कहने का मतलब चौड़ाई में 7 सही 1/7 प्रतिशत की कमी आ जाएगी। चौड़ाई में कितनी कमी आएगी, 7 सही 1/7% की। तो जब हमने वर्ग के क्वेश्चन देखे तो वहाँ पे फार्मूला था ए स्क्वायर, जब हमने वृत्त का फार्मूला देखा तो वहाँ पाई आर स्क्वायर था, तो वहाँ उन दोनों पे यक्स और वाई समान था, तो हमने इसी फार्मूले को दूसरे फार्म में रख के वहाँ पे क्वेश्चन हल किया। लेकिन जब आयत की बारी आई तो आयत में क्या हो गया, इसी फार्मूले पर रखेंगे, क्योंकि यक्स और वाई दोनों समान नहीं। ठीक है, यक्स और वाई दोनों समान नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 30% की वृद्धि, 30% की कमी कर दी जाती है। अब त्रिभुज की बात आई, किसी त्रिभुज की ऊंचाई थी, मतलब कोई त्रिभुज है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई है जो, इसमें क्या कर दिया गया, 30% की कमी कर दी गई, 30% की कमी कर दी जाती है। कह रहा है कि उसके आधार में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, ये जो आधार है इसको कितना बढ़ा दिया जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब देखिए क्षेत्रफल क्या है, अपरिवर्तित, इसमें चेंज 0, ठीक है, और ऊंचाई क्या है, उसकी ऊंचाई बढ़ाई जा रही कितना, प्लस 30%। पूछ रहा कि आधार को कितना प्रतिशत बढ़ा दे कि क्षेत्रफल परिवर्तन ना हो। तब यहाँ पे केवल दो में परिवर्तन हो रहा है, तो हमारा फार्मूला लग जाएगा प्रतिशत वृद्धि वाला, पहला वाला फार्मूला, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा यक्स अपान 100 माइनस यक्स गुड़े 100। यक्स का मान यहाँ दिया है 30, तो हो जाएगा 30
अपान 100 से अगर हम घटाएंगे 30 तो आ जाएगा 70 गुणे 100। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा। अगला स्टेप हमारा होगा कि 100 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 300 बटा 7। इसको हल करेंगे तो 7 चौक 28, 2 जीरो 7 दूनी 14, 7 दूनी हो गया हमारा 14, 6 आया 7 56। ठीक है, पॉइंट या तो चाहे तो इसमें 7 दूनी 14 6 42 6/7%। ठीक है, उसका ही जो क्षेत्रफल होगा 42/6/7% वृद्धि कर जाएगा। ठीक है, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई 42/6/7% की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें ये फार्मूला इसलिए लगा क्योंकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल भी परिवर्तित होता तो प्लस माइनस ए वाला फार्मूला लगाते। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 8 प्रकार और देखे। ठीक है, बाकी के जो प्रश्न बचे हैं उसको कल हल करेंगे। और आपसे फिर से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।